एसएसएलएनटी महिला कॉलेज का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान छात्राओं द्वारा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं इस कार्यक्रम में एसएसएलएनटी महिला कॉलेज की प्राचार्य सहित तमाम प्रोफेसर के साथ साथ बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रही। मौके पर प्राचार्य शर्मिला रानी ने बताया कि कोरोना के कारण 2019 से ही महाविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह नहीं मना पा रहे थे, लेकिन बच्चों की इच्छा को देखते हुए इस बार पूरे धूमधाम से महाविद्यालय का स्थापना समारोह दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार की थीम पूरी तरह झारखंडी संस्कृति पर आधारित है। प्रोग्राम के जरिए सभी बच्चों को झारखंड की महान संस्कृति से अवगत कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की स्थापना 1955 में हुई थी और तब इसमें मात्र 2 छात्राएं पढ़ती थी और आज इस महाविद्यालय में करीब 10,000 छात्राएं पढ़ती हैं। ये पूरे विश्वविद्यालय का एकमात्र महिला महाविद्यालय है। स्थापना दिवस हम लोग कोविड के चलते 2019 से नहीं मना पा रहे थे। हम तो 20 में यहाँ आए ही थे, 20 के बाद नहीं मना पा रहे थे। और बच्चे जब हमारा जो रेगुलर क्लासेस शुरू हो चुका था 22 में, तो बच्चों ने काफ़ी हमें प्रेशर दिया था कि हमारा स्थापना दिवस मनना चाहिए। हर महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में भी हमारा स्थापना दिवस होता है, तो हमारे महाविद्यालय में क्यों नहीं। तो हमने उन्हें आश्वस्त किया था कि हम लोग ये मनाएंगे, क्योंकि पिछले साल भी कुछ हमारे साथ में व्यवधान आ गया था तो हम लोग नहीं मना पाए थे। इस साल भी 19 अगस्त को फिर से व्यवधान आ गया था, एग्जामिशन पड़ गया था उसी दिन, तो छुट्टी हो गई थी तो हम लोगों ने उसको नहीं मना पाए। मगर बच्चों का बहुत ही प्रेशर था कि मैडम हम लोग सारी तैयारी कर चुके हैं, और हमको उन बच्चों का जो हौसला था उसको हमको कम नहीं करना था। और हमने कहा कि ठीक है, हम एक जब एग्जामिशन वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे, क्लासेस कुछ चलने शुरू हो जाएंगे, तो हम बिल्कुल इसका हम आयोजन कर देते हैं। और 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे बच्चों ने ये आयोजन किया है। और आज का जो थीम हमने रखा है, एक्चुअली NAP कहती है, जो नेशनल एजुकेशन, जो हमारा ये प्रोग्राम अभी सरकार ने चलाया है 2020 में, वो कहते हैं कि आप अपने जगह का की संस्कृति और सभ्यता हमारे बच्चों को बतलाइए। बच्चों को जानना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यताएं क्या हैं। तो उसी के कड़ी में हमने आज झारखंड के आदिवासी का सभ्यता और परंपराओं के विषय में बताने की कोशिश किया है। और बहुत सारी शिक्षिकाएं हैं, कुछ इनके इतिहास पर बताएंगी, कुछ इनके खान पान पर बताएंगे, कुछ इनके व्यापार पर बताएंगे, कुछ इनके कला भाषा संस्कृति पर बताएंगे, और नाच गान जो होगा पूरा हम आदिवासी डांस है। और कोई इसमें मिक्स नहीं है। ये कॉलेज का इतिहास है तो जानकारी दें। जी, ये हमारा महाविद्यालय 1955 में स्थापित किया गया था, और उस वक्त सिर्फ 2 शिक्षिकाएँ थीं और 2 बच्चे थे, लड़कियाँ थीं, एक कमरे में चला करता था। फिर जो हमारे फाउंडर हैं हिरण्यनाथ चटर्जी हैं, उन्होंने ये फाउंडर के रूप में ये हम लोग को बिल्डिंग दिया और यहाँ पे क्लासेस चलने शुरू हुए। तो 1955 में जब स्थापित हुआ था तो इतने ही थे। फिर 1956 में इसको UGC के द्वारा इसको मान्यता दिया गया, और फिर 1975 तक इनको कंस्टिट्यूएंट बन गया था, क्योंकि इसके पहले 1960 तक ये रांची यूनिवर्सिटी 1961 में रांची यूनिवर्सिटी में आया था, और 1960 तक ये बिहार यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड कॉलेज था। फिर जब 1975 में ये जब कंस्टिट्यूएंट बॉडी बन गया, तब इसको 1987 में PG पढ़ाने की इसको मान्यता मिली, और कुछ विषयों में PG की पढ़ाई शुरू हुई। फिर 1992 में जब विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बना, तो उसके अंदर में कंस्टिट्यूएंट यूनिट की तरह ये रहा। और फिर अभी हमारा जो प्रेजेंट जो हमारा विश्वविद्यालय है, विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी, वहाँ के अभी हम लोग एकमात्र 2 जिला में महिला महाविद्यालय है। अब तक कितने अभी फिलहाल कितने छात्र यहाँ पर ये पठन पाठन कर रहे हैं? अब तो PG इस साल से हट जाएगा, तो इस साल हमारे पास अराउंड अभी भी 7,000 बच्चे हैं, क्योंकि अभी PG के बच्चे हैं जो पिछले साल का जिनका नामांकन हुआ है। अच्छा मैम, ये बताया जाता है कि पूर्व के छात्रों का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, ऐसा कोई प्लान है क्या? हाँ, एलुमिनाई हम लोग मीट कर रहे हैं, और बहुत ही वो भी हम लोग भव्य करेंगे, ताकि एलुमिनाई हमारे आए और देखें कि आप जो कल जिस कॉलेज को छोड़ के गई थी आज वो कैसा है।